अगर आप कभी कैंपिंग नहीं गए हैं और फर्स्ट टाइम कैंपिंग जाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे बोलते थे कि आप लोग क्या क्या तैयारी करके जाते हैं और कैसे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि वो सारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाए। या तो इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे कि किसको कैंपिंग करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए, फर्स्ट टाइमर के लिए कहाँ सही रहता है, एज ए फर्स्ट टाइमर क्या क्या फूड चाहिए, क्या क्या एसेसरीज चाहिए, क्या एक्टिविटी कर सकते हैं या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर कैंपिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा होता है देन यू एंजॉय, अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस गड़बड़ हो जाता है देन आप कभी कैंपिंग नहीं चाहते। फिर तो होगा कि कोई वो नहीं है। सो पहला चीज कि किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। जिसको आउटडोर अच्छा लगता है, नेचुरल चीजें अच्छी लगती है, उनके लिए अच्छा रहता है। कुछ लोगों को कि बाहर जाके सोना है डर लगता है, कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है, तो वो आपको डिसाइड करना है। बट अगर देखें कि मोस्ट ऑफ द कैंपिंग साइट में कोई डरने वाली बात नहीं होती है। हाँ, यहाँ पे जैसे देखिए कि इतना ज़्यादा लोग हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि कोई मतलब अलग जगह की कैंपिंग कर रहा है। या अगर आपको एकदम कंफर्टेबल जैसे बेड पे ही नींद लगती है, अगर बाहर जाके सोने में प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए कैंपिंग नहीं सही होती है। नहीं, पर उस केस में केबिन वाली कैंपिंग कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम कैंपिंग कर रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है कि कैसा लगेगा, तो बेटर है कि कैंपिंग केबिन कैंपिंग कीजिए जहाँ पे मैट्रेस वगैरह बंक बेड वगैरह रहता है। और जो कैंप साइट चूज कर रहे हैं ऐसी कैंप साइट चूज करें जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बाथरूम वगैरह बहुत अच्छा हो। और जैसे न्यू हैम्पशायर माउंटेन्स एरिया में बहुत सारी कैंपिंग है, वहाँ पे बाथरूम वगैरह हर एक चीज़ अच्छा नहीं है, तो काफ़ी वाइल्ड है, तो हमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत नेचुरल फील होता है। बट ये कैंप साइट में लाइक रियली अच्छा बाथरूम है, इलेक्ट्रिसिटी है और बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल नहीं रहता। हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं लग रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग ट्रेस बार छोड़ दिए, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बट अगर माउंटेन्स एरिया में ट्रेस बार छोड़ते हैं तो बेयर, रैबिट और ये सब बहुत सारे और एनिमल आके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैंपिंग करनी क्यों चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे हैं अगर आपके, उनको हम लोग हमेशा साइंस की एक्टिविटी, इक्वेटेरियम, एक्वेरियम ये सब दिखाते हैं नेचर से कनेक्ट होने के लिए। कैंपिंग वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है बच्चों को नेचर से कनेक्ट करने के लिए, रियली रियली बेस्ट चीज़ है। और काफ़ी सारे कैंप साइट पे जाओ और पार्क में जाओ तो वहाँ पे बच्चों के लिए वर्कशॉप भी प्लान रहती है, वहाँ पे बच्चे जाके एंजॉय कर सकते हैं। जैसे हाँ, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे, सारी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको और भी ज्यादा एनवायरनमेंट से कनेक्ट होने में अच्छा लगता है। गाइस, आई गो फॉर ट्रेजर। ठीक है, जाओ ट्रेजर फाइंड करो। जाओ ट्रेजर। अरे कल से बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड। और कैंपिंग का एक बड़ी अच्छी चीज होती है, यहाँ पे लोग बड़े अच्छे से बिहेव करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कोई किसी को खाना दे देता है, कोई किसी को सामान दे देता है, किसी से हेल्प मांगो कैंपिंग में। हाँ। लाइक लोग मतलब ओवरवेलमिंग हेल्प करते हैं, मतलब आके सब कुछ देते हैं और करते हैं। समर समीर का पहला सेंट वॉय हम लोगों को कैंपिंग में ही किसी ने ऐसे देखे। हाँ, जो सेंट वॉय का पूरा बैग है किसी ने ऐसे ही कैंपिंग में ही हम लोग को दे दिया, बोले कि हमारे बच्चे अब यूज नहीं कर रहे हैं, बड़े हो गए तुम्हारे बच्चे यूज करेंगे। तो अभी किसी ने एक लाग हम लोग को उठा के दे दिया, अरे हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग जब करोगे तो रख लो। अगर आप आपकी बड़ी कार है या आप उसमें बाइक रैक वगैरह लगा सकते हैं तो बच्चों का टॉयज लेके आइए, यहाँ पे पूरा फ्रीली चलाते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ कनेक्ट होते हैं तो अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइमर है तो हमेशा रिकमेंड करेंगे कि कैंपिंग किसी के साथ कीजिए, अकेले मत जाइए, किसी के साथ फर्स्ट टाइम जाइए तो काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा होता है। और कैंपिंग में आई थिंक जितने लोग होते हैं, ज़्यादा लोग रहते तो उतना ही मज़ा आता है। उतना ही मज़ा आता है, कोई कुछ भी कहे, जितने ज़्यादा लोग उतना मज़ेदार लगता है। हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चे क्या क्या सीखते हैं, जैसे कंप्लीट सर्वाइवल टेक्निक सीखते हैं। ऐसा लगता है कि हम घर पे हैं, बेड लगा है, सब कुछ ऐसे ही होता है, लाइफ में सब कुछ ऐसे ही नहीं होता है। जब कैंपिंग में आते हैं ना, कैसे टेंट लगा रहे हैं, कैसे बेड लगा रहे हैं, हर एक चीज़, तो ये सारी एक्टिविटी से काफ़ी स्किल सीखते हैं। तो ये भी जितना साइंस हम लोग सिखाते हैं, बाकी चीज़ें सिखाते हैं ना, ये आउटडोर चीज़ें भी सिखाना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर वो टांगी ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, फिर काटते हैं, आग लगाते हैं, फिर भूजते हैं, तो इनको बहुत मज़ा आता है। और कैंपिंग में एक काफ़ी फ्री
रहता है कि कोई किसी को बोलता नहीं है, बच्चे कहीं भी कितना खेल कूद रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अच्छा लगता है एकदम से। बहुत बार ना लोग भी बहुत अच्छे रहते हैं कि मतलब ध्यान देते रहते हैं कि हाँ अच्छे ये बच्चा तो उनका है, थोड़ा सा देख ले रहे हैं। कार वगैरह सब लोग बहुत संभाल के ही चलाते हैं, तो आप छोड़ सकते हैं बच्चों के मतलब ट्राइसिकल लेके या साइकिल लेके खेल रहे हैं। और नेचर में एक और चीज सीखने को मिलती है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारे बच्चों ने फ्रॉक पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, तो ये फ्राक कहाँ घर तक जाएगा। तो बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं, और जैसे बीच पे हैं हम लोग तो बहुत तरह के ग्लासेज स्टोन्स कलेक्शन करते हैं, सेल कलेक्ट करते हैं काफ़ी चीज। वो पीला पीला देख रहे हैं ना डर्ट में, वो मेरा लड़का है। वो बेचारा खेत में नहीं खेल पाया तो इसीलिए यहाँ पे आके खेलता है। अब बात करते हैं कि कैंपिंग के लिए आपको एसेसरीज क्या क्या चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि टेंट में कैसा आपको टेंट चाहिए। अगर दो लोग से चार लोगों के लिए है तो $50 से $100 के अंदर आपको बहुत बेस्ट टेंट मिलेगा। पीछे जो टेंट देख रहे हैं कास्को से हम लोगों ने ले लिया है, $100 का टेंट है और ये 6 लोगों के लिए है, रियली रियली बिग है, 6 बड़े लोगों के लिए, 6 बड़े लोग। हाँ तो कोई भी $50 से $100 में लगेगा। दूसरा चीज आपको होता होगा कि बारिश होगी तो टेंट रोक पाएगा, कोई भी आउटडोर टेंट बनाया गया है कैंपिंग के लिए उसके ऊपर कितना भी बारिश होगी पानी इधर उधर चला जाएगा, कभी पानी अंदर नहीं जाता है, रात भर बारिश हुई है यहाँ पे। टेंट के अलावा आपको स्लीपिंग के लिए चाहिए तो कुछ लोग स्लीपिंग बैग यूज करते हैं, बट आप फैमिली वाले हैं ज़्यादा एक्सपेंस नहीं, आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो बेटर है कि घर पे जो पुराने ब्लैंकेट वगैरह रखे हैं उसी को फोल्ड करके ले आइए और एक पीलो ले आइए और वो सोने के लिए ईजी रहता है। अगर वो उसमें भी लगे कि नहीं बहुत वो रहेगा तो एक एयर मैट्रेस वो भी ले सकते हैं। हाँ बट एयर मैट्रेस कुछ लोगों को अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है, बट अगर आप एयर मैट्रेस पे थोड़ा सा एयर वगैरह सही नहीं है ना तो आप इधर उधर होते हो तो और बैक पेन हो जाती है। हम लोगों की फर्स्ट में ऐसे ही था। हाँ घूम रहा पूरा। हाँ तो बट जमीन प्लेन रहती है तो 2-3 चीजें बिछा दें तो काम हो जाता है, नहीं तो एयर मैट्रेस भी ले सकते हैं, एयर मैट्रेस इम्पोर्टेंट नहीं है, अपनी अपनी प्रेफरेंस का है कि अगर आपको जस्ट जमीन पे नहीं करना है तो उस पे, नहीं तो जमीन तो बेस्ट रहती है। एंड उस टेंट सेट करना बहुत आसान होता है, उसके लिए लकड़ी से भी ठोक के सेट कर सकते हैं, उसको असेंबल कर सकते। बोलिए बेटा लोग और वाटर लेके आएंगे बाथरूम से, इसको फायर के ऊपर वाटर गिराना है। फायर है अभी, भागो भागो। तो समर समीर को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। कल पूछा कि कितना एक्साइटेड है कैंपिंग के लिए, तो बोल रहा है 1000 times एक्साइटेड। और फ्लैशलाइट बहुत ज़रूरी होती है, और वालमार्ट वगैरह में, टारगेट वगैरह में या होम डिपो वगैरह में $5-5 की अच्छी फ्लैशलाइट मिलती है, और बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं, तो 2-3 ले लिया ना तो सब रात में ऐसे लालटेन की तरह लेके ना घूमते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है खाना। यस, फर्स्ट टाइम होता है कि जब कैंपिंग करने जाते हैं तो इतना ज़्यादा घर से खाना बना के हम लोग लेके जाते हैं, फिर जाते हैं तो फिर घर वाला खाना खाने लगते हैं, पेट भर जाता है, तो फिर खाना बनाने में मज़ा नहीं आता है क्योंकि सबका पेट भर गया तो खाना कौन खाएगा। तो कैंपिंग अगर रियली एंजॉय कर रहा है तो खाना घर से कम लाइए, 1 या 2 खाना घर से बना के लाइए और 1-2 डिश यहाँ पे बनाने का कोशिश कीजिए, तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर 3-4 दिन अगर कैंपिंग करते हैं तो उसमें कंचन अक्सर बनाती है पराठा, तो उसका फ़ायदा रहता है कि चाय बना लिया, पराठा गर्म करके खा रहे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में अगर कहीं आपको जल्दी घूमने जाना है, कोई एक्टिविटी करनी है वाटर वाली, तो ब्रेकफास्ट बनाने में टाइम नहीं वेस्ट कीजिए, जस्ट पराठा गर्म कीजिए और चले जाइए। और उससे क्या होता है कि पराठा ख़राब भी नहीं होता है और अच्छा रहता है। जिसको मैगी खाने का शौक है ना, उनके लिए बहुत 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 अच्छा। हाँ ला के रियली और बस बनाइए और जो मज़ेदार मैगी बनती है। सो आग वगैरह पे चाय वगैरह अच्छा रहता है। तो आप कुकिंग के लिए एक तो पेट्रोमैक्स की ज़रूरत होती है, अच्छी सी छोटा वाला पोर्टेबल पेट्रोमैक्स है, उसके ऊपर वो रहता है, तो कई बार क्या होता है कि आग पे नहीं बनाना चाह रहे हैं जल्दी से तो वो यूज कर सकते हैं। चिमटा वगैरह या एल्युमिनियम का ट्रे चाहिए, एल्युमिनियम का ट्रे नहीं है तो एल्युमिनियम फॉइल भी चलती है। और अच्छा रहता है कि एक अगर छोटा सा कूलर लेके रख लीजिए जिसमें अगर मिल्क वगैरह रखना है या थोड़ा सा कुछ मैरिनेट करके ला के रख रहे हैं, अगर 2 दिन की कैंपिंग कर रहे हैं
और उसमें आइस डाल के रख दीजिए, रखा रहेगा। हम लोग तो एक पीछे है कंचन के, दिख रहा है बड़ा कूलर है, बट हम लोग इसलिए लिए हैं कि रेगुलरली करने वाले हैं, बट आप पोर्टेबल कूलर भी ले सकते हैं, यूज एंड थ्रो वाला जो थर्माकोल वाला रहता है, या फिर कोई रिसर्च लैब में काम करता है तो वहाँ पे बहुत सारा थर्माकोल का बॉक्स आता है फ्री में, उसको भी रख सकते हैं। हम लोग काफ़ी यूज करते थे पहले, हम लोग यूज़ करते थे। अगर बीच वगैरह के पास जा रहे हैं, देर तक चाय पीने का मन है, तो थर्मस से इम्पॉर्टेंट होता है, लाइटर वगैरह, चाकू, छोटा सा कार्डबोर्ड वगैरह, अगर कटिंग के लिए बोर्ड है वो अगर भूल जाएंगे तो भी टेबल पे कटिंग कर सकते हैं। में सबसे अच्छा होता है जैसे आप जो वेजिटेरियन लोग हैं, पनीर और कैप्सिकम, कॉर्न, ओनियन, पोटैटो, ये सब लाइए, डायरेक्ट रोस्ट करके खाइए, वो बेस्ट रहता है। चिकन वाले शौकीन हैं तो घर से ही आप चिकन मैरिनेट कर लीजिए और यहाँ पर ला के रोस्ट कीजिए, खाइए। मार्शमैलो जिसको खाने का शौक है, स्टिक ले लीजिए मार्शमैलो का। कुकिंग के लिए कुछ लोग सोचते हैं कि कोल लेके जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए। अगर कोल पे आप खाना बनाने का सोच रहे हैं तब तो कोल लेके जाइए, और नहीं तो पेट्रोमैक्स पे खाना बना लीजिए और नॉर्मल फायरवुड लेके जाइए, खरीद लीजिए, तो उसको जला के ऐसे ही बैठने में अच्छा लगता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कैंप फायर जलाना तो। और कोल पे अगर धीरे धीरे आपको चिकन वगैरह कुक करना है, दैट इज़ बेस्ट थिंग, कोल जला लीजिए, जब आग अच्छी हो जाए तब स्लो आँच पे कुक कीजिए, बहुत मज़ेदार आता है। एंड बैठने के लिए चेयर वगैरह ले लीजिए, यस, बैठने के लिए चेयर ले लीजिए, फोल्डेबल चेयर रहती है तो इसको फोल्ड करके लंबा हो जाती है, आप कई सारी रख सकते हैं। मैट बहुत अच्छा आइडिया रहता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ड्रिंक अलाउड होता है कि नहीं, मोस्ट ऑफ द कैंपिंग में ड्रिंक नहीं अलाउड होता है, तो आप अपना जूस ला के पी सकते हैं बट ड्रिंक नहीं। और पानी नहीं भूलिए, पानी गैलन का ले लीजिए, किसी से एक एक दो दो गैलन का। अगर नहीं भी लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द कैंपिंग साइट में ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं, बट घर से एक दो गैलन जरूर लेके आइए। ध्यान रखना है कि आपके पास एक तो केरोसिन ऑयल रहे, और दूसरा अगर कुकिंग इस पे कर रहे हैं फायरवुड पे, फायर पे कर रहे हैं, और फायर वैसे भी स्टार्ट करने के लिए केरोसिन ऑयल चाहे, तो फायर स्टार्ट करने वाली एक वुड होती है वो होनी चाहिए, लाइटर वगैरह होना चाहिए। अगर जिसको बर्गर वगैरह खाने का शौक है तो घर से वेज पेटीज या मीट वाली पेटीज बना के और फ्रिज कर दीजिए, और यहाँ पे लेके आइए और मस्त बर्गर और ब्रेड बना के खाइए, मस्त लगता है। ये भी आइडिया होता है अगर दो दिन रहना है, मिल्क वगैरह ठंडा करके लाना है, तो कई बार हम लोग मिल्क को ही फ्रिज कर देते हैं, ऊपर सॉलिड हो जाता है, उसी को लेके आते हैं। हाँ, तो मतलब आपको कूलर की भी जरूरत नहीं है, उसमें आइस की भी जरूरत नहीं, वो मेल्ट होता रहता है धीरे धीरे, हम लोग एक दो दिन तक काम चल जाता है। नहाने वहाने के लिए भी ज्यादातर अच्छी बाथरूम वगैरह अच्छा रहता है, तो जस्ट आप अपना सोप वगैरह लेके टॉवल वगैरह लेके आइए, और हर जगह ठंडा गरम दोनों पानी रहता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है। हाँ, स्लीपर वगैरह रख ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि प्लास्टिक वाले स्लीपर हैं, पानी से धो लिया, क्लीन हो गए, और सोप वगैरह, ब्रश वगैरह, ये सब चीज़ रख लीजिए। बग, इंसेक्ट रिपेलेंट और मस्किटो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समर में रिपेलेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सनक्रीम, दो चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। स्पेशली अगर इस तरह की बीच कैंपिंग में जा रहे हैं, अभी तो ठंडा है तो इंसेक्ट नहीं थे, एक महीने बाद यहाँ पे इतने ज़्यादा इंसेक्ट रहेंगे कि ऐसा लगेगा कि आपको उठा लेंगे, इतना ज़्यादा काटते हैं, तो रिपेलेंट मार देते हैं तो कोई पास में नहीं आता है। चार्जर वगैरह नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को, फोन चार्जर, ये सारी चीज़ें। और ऐसे बहुत सारे बाथरूम में भी चार्जिंग का पॉइंट रहता है, तो अगर इधर जैसे यहाँ पे तो हम लोगों के पास ऑप्शन था, सारे कैंप साइट पे है, बहुत जगह नहीं रहता है, तो बाथरूम में तो रहता ही रहता है। ये सब मॉडर्न साइट है, ये सब मॉडर्न कैंपिंग साइट है जहाँ पे अच्छा रहता है, तो यहाँ पे आप आरवी लेके आएंगे वो भी चार्ज करेंगे, नॉर्मल अगर आप फोन वगैरह चार्ज करना है तो वो भी यहाँ पे चार्ज हो जाता है। अब बात करते हैं कि कहाँ किस तरह की कैंपिंग साइट को यूज करना चाहिए, और कहाँ पहली बार अगर जा रहे हैं तो कहाँ पे जाना चाहिए। हर एक स्टेट में स्टेट पार्क्स जो होते हैं काफ़ी फैमिली फ्रेंडली होते हैं, वहाँ की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से कोई भी कैंपिंग साइट रिजर्व कीजिए, तब वहाँ पे जाएंगे तो काफ़ी लोकल लोग भी मिलेंगे, फैमिली वाले लोग मिलेंगे, और सारी बेसिक फैसिलिटी वहाँ पे रहती है।
मैसेच्यूसेट में जैसे है कि ये है हार्सनेक बीच स्टेट रिजर्वेशन है, या फिर केप कॉड की तरफ दो तीन कैंप साइट है, उसका भी नाम मैं लिंक में दे दूंगा, वो भी अच्छी है। सेल्सबरी बीच वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि आप कैंपिंग भी कर लेंगे, बीच पे भी चले जाते हो, तो बच्चों के लिए बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जिसको थोड़ा सा रियल डीप, मतलब रियल क्या बोल, डेंस फॉरेस्ट अगर चाहिए जिसको, वो कैंपिंग करना है, देन आपको वेस्टर्न मैसेच्यूसेट में जाना है, या तो फिर न्यू हैम्पशायर वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, वाइट माउंटेन एरिया में रियली रियली अच्छा रहता है। बट एज ए फर्स्ट टाइमर मे बी न्यू हैम्पशायर नहीं ट्राई करें तो ठीक है, मे बी लोकल ये सब बीच ट्राई करने में थोड़ा अच्छा रहता है। बात करना है तो किसी केबिन में जाके वहीं से शुरुआत करिए, और हमेशा वेदर देख के प्लान कीजिए, और कोई भी जो कैंपिंग साइट है एक से डेढ़ घंटे या दो घंटे की दूरी पे आप प्लान कीजिए, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइमर है वहाँ पे गए, रेन आ गई, हवा आ गई, स्टार्म आ गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो आप इमीडिएट गाड़ी उठा के वापस चले जाएंगे, तो इतना दूर मत जाइए क्योंकि और चाहिए अब तो फायर खत्म हो गई इसको काना मार्स मेलो और वाटर, इसलिए पानी डाल के बुझा दिया क्या किया जाए, थोड़ा सा मेडिसिन और ये यस थोड़ा सा दवा रख लीजिए, बैंडेड एलर्जी की मेडिसिन, बैंडेड और टैलेनॉल वगैरह रखना जरूरी होता है। और वैसे भी कोई भी पर्सन रोड ट्रिप करता है तो कार में सारी चीजें हमेशा होनी चाहिए। जैसे समीर कल इतना एक्साइटेड होकर ट्राईसाइकिल चला रहा था और बिना सूच का चला रहा था, कहीं तो रोड पे इसका रगड़ गया और पूरा एकदम चमड़ी निकल गई तो हम लोगों ने बैंडेड रखा था, जिस लगा दिया, आज फिर वही काम कर रहे हैं। एक काम करो ना, मम्मा के इसमें ना, इसमें फायर लगा दो। अयो नो यू होल्ड दिस, अच्छा थैंक यू, एंड कम ऑन मी पुट द फायर। अब उसमें वाटर डाल दियो ना, तो जब वाटर डाल दियो तो नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब हम लोग को दूसरे पे इतना आसानी से आग नहीं लग जाती है कि लाइटर लगाए और आग जल जाएगी। कुछ लोग को ये लगता है कि पता नहीं यार, वहाँ जाएंगे रात में कुछ हो गया तो, कोई जानवर आ गया तो, कोई स्नेक आ गया तो, आके कोई कयोटी फॉक्स वगैरह अटैक कर दिया तो, यस वो हो सकता है, नो डाउट। बट मोस्ट ऑफ द जो स्टेट पार्क की जो कैंपिंग साइट होती है यहाँ की तरह, वहाँ पे कोई एनिमल अटैक नहीं करता है। एनिमल अटैक करते हैं अक्सर अगर बहुत वाइल्ड कैंपिंग में जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, आप ही दो चार लोग हैं, तो वहाँ पे अक्सर एनिमल अटैक कर देते हैं, या हाइक करने जा रहे हैं माउंटेन्स वगैरह में जिधर के बेयर वगैरह और बाकी सारी चीज़ें रहती है, तो उधर अटैक हो जाता है। बट नॉर्मल कैंप साइट पे मैंने कभी नहीं सुना है, कभी नहीं होता है। और कुछ लोग सोचते हैं अरे यार कहीं हम सो रहे हैं, स्नेक आ गया तो, कुछ आ गया, बिच्छू आ गया, कोई इंसेक्ट आ गया, तो टेंट के अंदर कुछ भी नहीं जा सकता है, कुछ भी नहीं जा सकता। अगर आपने ठीक से जिप अप किया है तो कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, ये आपके नीचे बारिश हो रही है, पानी नीचे से बह रहा है, ऊपर पानी नहीं आएगा, इतना रहता है, नम हो जाएगा बट अंदर पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा। सेफ्टी वाइज हम लोग को ऐसा कुछ नहीं लगता है, ये रहता है कोई इंसेक्ट अगर उड़ने वाला इंसेक्ट है काट दिया तो कहीं भी काट देते हैं इंसेक्ट वगैरह। और एक फायदा होता है बच्चों को कैंपिंग में ले जाने से कि आउटडोर में इतना एक्सपोज रहते हैं ना, तो एलर्जी वगैरह के लिए थोड़ा इम्यून हो जाते हैं, तो वो अच्छा अच्छा चीज रहती है। हाउ मच यू लव कैंपिंग? वन टाइम आई लव 1000 टाइम्स। समर का रहता है भाई, हर एक चीज 1000 टाइम्स। फिर कैंपिंग कब चलेंगे? हम चले क्या करेंगे, यही रहेंगे? हाँ यही रहेंगे भाई। हम ये सारी चीजों में कितनी कास्ट लगती है, टेंट वगैरह खरीद रहे हैं तो वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है $100 का मान लीजिए, छोटी छोटी जो एसेसरीज जो बता रहे हैं ये सब $5, $10, $5, $10 की है, तो सब मिला के आई थिंक आपका सेटअप 200 में अच्छा सेटअप बन जाएगा, और उसको मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हैं। 200 में अच्छा सेटअप बनेगा, जिस 4-5 लोगों के हिसाब से अच्छा सेटअप बनेगा। तो एक कास्ट रहती है, कैंपिंग साइट का कितना लगता है ये वेरी करता है। कैंपिंग साइट का जो प्राइस है, यहाँ का प्राइस है $30 या $25 है, और उसमें टैक्स वगैरह बुकिंग चार्जेज वगैरह लेके मुझे $33 पर नाइट पड़ा है, तो है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हर एक चीज़ अवेलेबल है,
वुड का हमेशा आपको लेना पड़ता है, तो $5 to $6 लकड़ी का रहता है कैंप फायर के लिए। और एक ले लिया, बहुत सारे इस तरह का जंगल है, सूखी लकड़ी है, उठा के आप ला के जला सकते हैं। अलाउड नहीं होता है बट बहुत रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं होता है, तो आप वो भी ला के जला सकते हैं, क्योंकि जो सांस सेकने के लिए और इस तरह इंजॉय करने के लिए अच्छा रहता है। कैंप फायर जला लीजिए, उसके बैठ के अपने पुराने गाने का अमिताभ छड़ी शुरू कर दीजिए दोस्तों के साथ, लेके आइए खाते जाइए, या मूंगफली वगैरह भी अच्छा आइडिया रहता है कि एल्युमिनियम फॉइल पे मूंगफली रख दीजिए और आग के ऊपर रख दीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, थोड़ा सा वो अच्छा सा रोस्ट हो जाएगी एंड अब छिल छिल के खाइए। फिर रहेगा कि आपको जैसा जो फूड के लिए लाना है उसकी कास्ट रहेगी और एडिशनल कोई कास्ट नहीं रहती है। और अगर बीच पे हैं, जैसे सरसबरी बीच पे कैंपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ जाके पैरासेलिंग बोटिंग वो सब भी कर सकते हैं, तो वो सब तो एडिशनल कास्ट हर जगह रहता है। हम लोगों ने पाली कैंपिंग किए थे ग्रैंड कैनियन में, फर्स्ट कैंपिंग इन 2013 और तब से हम लोग को बहुत मज़ा आया था। और हम लोग मतलब किसी से कोई एडवाइस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, पता नहीं कैंपिंग का मुझे कहाँ से ख्याल आया, और मैंने सारा सामान बुक किया वॉलमार्ट पे, ऑनलाइन शिप कर दिया एरिजोना में जहाँ कंचन रहती थी फ्लैगस्टाफ, और कैमरा वैमरा हर एक चीज़, और हम गए वहाँ से तुरंत, हम लोग ग्रैंड कैनियन गए और पहले दिन ही खूब बारिश, धमाकेदार बारिश, हम लोगों को तो लगा था कि हो गया कैंपिंग। हाँ, बट फिर जब कैंप साइट पे गए तो सब कुछ एकदम बढ़िया था। कैंप किए हम लोग 2 दिन वहाँ रहे ना। चलिए, अगर आप मैसेच्यूसेट्स में रहते हैं, हम लोग के साथ कैंपिंग करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, मैसेज कीजिए, और सारे हर एक आइटम्स का लिस्ट मैं डिटेल इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और ऑनलाइन नहीं खरीदना चाह रहे हैं तो बेस्ट होता है कि आप वॉलमार्ट, टारगेट, होम डिपो, ये सारे स्टोर में जाइए, वहाँ से ले सकते हैं। टेंट वगैरह मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार लीजिए, कास्को से लीजिए, बेस्ट रहता है, सस्ता रहता है, तो $100 का है, आप ये कम से कम 6-7 साल चलेगा। मेरा 2013 का ख़रीदा हुआ टेंट अभी तक चल रहा है।